किसी ने क्या खूब कहा है, बुद्धिमान लोगों को जितने अवसर मिलते हैं उससे ज्यादा अवसर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धि की करामात। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी और सीखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी। उस सभा में तरह तरह के प्रश्नोत्तर हो रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता था। सभा में एक छोटा बालक भी था। बालक ने हाथ जोड़कर सम्राट से अपना प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति मांगकर बालक ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। बालक के प्रश्न सुनकर सभी बोलने लगे कि भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। ब्राह्मण बोला, महाराज बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। फिर मंत्री ने बोला, महाराज मेरे विचार से बुद्धि हृदय में रहती है। सम्राट ने बालक से कहा, बालक तुम ही अपने प्रश्न का उत्तर दो। बालक बोला, महाराज यदि आप मुझे अपने यहाँ बैठने की आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। सम्राट ने हंसकर कहा, आज से यह बालक हमारा मंत्री है। बालक मंत्री की सीट पर बैठकर बोला, महाराज बुद्धि सदा मनुष्य के जीभ पर रहती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी विद्वान हो, यदि समय पर उचित बात नहीं कह सकता तो उसे सदा लज्जित होना पड़ता है। बालक का उत्तर सुनकर सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, अब मुझे बताइए कि बुद्धि क्या खाती है। मंत्री बोला, क्या बुद्धि कोई आदमी या जानवर है जो कुछ खाएगी। ब्राह्मण बोला, ऐसा बेकार का सा प्रश्न पूछकर तुम हमारा समय नष्ट मत करो। बालक बोला, महाराज बुद्धि समय खाती है। जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ करते हैं वे मूर्ख होते हैं। सम्राट ने कहा, बालक तुम सचमुच विद्वान हो। बालक बोला, महाराज अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइए, बुद्धि पहनती क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला वह क्या पहन सकती है। बालक बोला, महाराज आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं मगर उसके लिए आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। महाराज बालक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बालक मुझे तो अभी भी उत्तर नहीं सूझ रहा। ब्राह्मण बोला, महाराज आप अपना राज मुकुट मुझे दीजिए। तो अब महाराज को उत्तर सूझ ही गया होगा। महाराज ने या सम्राट ने कहा, अब मैं समझ गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वह आम आदमी से राजा भी बन सकता है। बालक तुम अद्भुत हो, आज से तुम मेरे न केवल मुख्यमंत्री हुए बल्कि मित्र भी हो। यह बालक आगे चलकर बाण भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं लिखी हैं। दोस्तों, बाल भट्ट के इस जीवन की घटना से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्धि में बहुत बड़ी ताकत होती है जो शारीरिक ताकत से कई गुना अधिक होती है। एक बलिश से बलिश आदमी को भी बुद्धि हरा सकती है। इस बुद्धि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते इसका उपयोग सही जगह और सही दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।